नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमामि अहमहि मम सौहार्द्रहे आर्यवर्त राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन। आज पुनः एक अन्य एपिसोड आपके सामने अग्निक्रम का हम लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर मशक की जो ग्रंथि मांस दृष्टि से जो अलग से ग्रंथियाँ जो शरीर में जिसको आप वार्ट्स के नाम से जाने जाता है वह बन जाती हैं, तो किस प्रकार से अग्निक्रम उस पर कार्य करता है और अग्निक्रम के द्वारा उसको किस प्रकार से सही ढंग से हटा दिया जाता है, ऐसा ही एक वीडियो आपके सामने हम लेके जा रहे हैं। इससे पहले ध्यान रहे कि मांस की दृष्टि सबसे पहले हमारे यहाँ रस धातु आती है, जब रस से रक्त की दृष्टि स्टार्ट होती है तो रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, एक तो कारण आपका यह होता है। दूसरा कारण है आपको अनुवांशिकी, आपके जीन्स में इस तरीके की मशक की ग्रंथियों की जो दृष्टि है वह आपके रक्त से चली आ रही है, ये कारण होता है। तीसरा कारण जो आपका भोजन का खान पान गलत है, ऋतुचर्या या दिनचर्या के अनुसार नहीं है, वह भी आपके रस दृष्टि को बना के मांस दृष्टि को बना देता है। तो ऐसे ही यदि आपको कहीं पर भी शरीर पर मस्सा है या मांस की कोई ऐसी ग्रंथि बन गई है तो आप उसको अपने चिकित्सालय नाड़ी वैद्य कायकल्प रोहतक में आकर के हटवा सकते हैं। किसी भी प्रकार के औषधि की खाने की ज़रूरत नहीं है, ना उस पर कुछ लगाने की ज़रूरत है, और यदि आप अग्निक्रम चिकित्सा को करवाते हैं तो तुरंत उसको आपके शरीर से हटा दिया जाता है। तो ऐसा ही वीडियो लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। अग्नि की सहायता से जो कर्म किया जा रहा है उसे ही अग्निक्रम कहते हैं। अग्नि अग्रिनाम कृत्वा यत् क्रम, इसी में यदि हम मांस धातु का दग्ध यदि सम्यक तरीके से करते हैं तो उसमें हमारे शास्त्रों में आता है कपोत वर्णता अल्प श्रव्यतु वेदना शुष्क संकुचित वर्णता चह मांस दग्ध, कि जब हम अग्निक्रम कर रहे हैं तो कपोत वर्ण का आ जाना, उसमें हल्की सी स्वेलिंग का आ जाना, थोड़ा सा उसमें पेन आ जाना और शुष्क संकुचित जो वर्ण जिस पर किया जा रहा है वह वर्ण आपका संकुचित अवस्था में आ जाना। तो इस प्रकार से यदि आपने सम्यक दग्ध कर दिया है तो यह लक्षण उसमें आ जाना चाहिए और यह लक्षण आने के पश्चात पुनः उसमें कोई भी विद्रधि उत्पन्न नहीं होती है। सम्यक दग्ध होने के पश्चात जब इस मांस की दृष्टि को हटाया गया तो वह ऐसा दिखता है और जो सम्यक दग्ध का जो लक्षण है वह करने के पश्चात इस प्रकार से दिखाई देता है। आप उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जो आपके आस पास में ऐसे लोग हैं जिनको मशक की ग्रंथियाँ होगी या वार्ट्स बन गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाने का कार्य करें। और यदि आपको यह अच्छा लगता है या मेरे आयुर्वेद के जो मेरे साथी भाई हैं जो इसको सीखना चाहते हैं वो इसको देख करके सीख सकते हैं। अग्निक्रम एक ऐसी शास्त्रीय चिकित्सा है जो कि उस रोग को जड़ से मिटा देती है और तुरंत रिलीफ देती है, पंचकर्मा के अंदर यह आती है। तो ऐसे उन लोगों तक आप इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं, और दूसरा दूसरों के सामने जाने पर उनको ऐसा अनुभव, एक अनुभूति उनके अंदर ऐसी होनी कि वह आदमी मेरे से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसके शरीर पर ऐसी ग्रंथि या मशक वार्ट्स बना हुआ है जिसको देखकर यदि वह मुझे देखता है तो हीन भावना अगर उत्पन्न हो रही है तो वह अपने इस औषधालय, चिकित्सालय, आतुरालय, रुग्णालय में आकर के इसको हटवा सकता है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहे हैं पुनः मिलने के लिए। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय भारती, जय आयुर्वेद।